हुकूमत तो 100 दिन में बहुत कुछ करने वाली थी, अब तो 700 दिन हो गए। हुकूमत से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी समझती है एपीसी अब तक हो जानी चाहिए थी। ऑपोजिशन एपीसी में मुश्तरका लाहे अमल तय करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का मुतालबा, कहा हर चीज का इल्जाम ऑपोजिशन पर लगा दिया जाता है। हुकूमत और नैब की जानिब से इस्लाहात की बात पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। एफएटीएफ से मुतालिक मामला संजीदा करार। मुश्तरका लाए अमल जो है अपोजिशन की जमातें जो है वो तय करती है, एपीसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी हमें तवक्को है कि बाकी सारी जमातें भी इस अर्जेंसी को महसूस करेंगी। अदलिया को इस तरफ भी देखने की जरूरत है कि नैब के हाथों बहुत सारे लोगों के साथ जाती होंगी, पगड़ियां उछाली गई, ये कानून अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला बन जाए और ये बाजू मरोड़ने वाला कानून ना रहे। उस पर कहा जा रहा है कि जनाब ये हमसे अनरो मांगते हैं। 9 में से 7 कानून जो फैटफ की डिमांड थे वो पूरी हो गई, वो बिल पास हो गए और फिर हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप तो कहते थे कि हमने होमवर्क किया हुआ है, हमारी शेडो कैबिनेट ने काम किया, हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, हम आएंगे पहले 100 दिन में ये टक 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 ये काम कर देंगे। तो कुछ 600 दिन 700 दिन हो गए हैं। हुकूमत से अब जान छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया है।